हेलो फ्रेंड्स, मांझीपुर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि आप इसे समोसों के साथ, ब्रेड पकौड़े के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो, और इसे स्टोर करके भी आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। इमली की चटनी आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए इमली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए हमने इमली को गर्म पानी में अच्छे से भिगो दिया था। अब हम इसे इसी पानी में मैश कर लेंगे। अब हम इसे स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे, बस छान लेंगे। पहले हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया था, अब हम इसे छान रहे हैं। स्टेन करने के बाद में जो बचा हुआ पल्प था उसमें फिर से आप एक कप पानी डाल के अच्छे से मैश कर लें और फिर से छान लें। अब ये इमली छन के तैयार है। अब हम इसे गैस पे मीडियम फ्लेम में चढ़ा देते हैं और इसमें डालेंगे आधा कप चीनी, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, एक चम्मच नमक, एक चम्मच भुनी हुई जीरा और एक आधा से एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसको चला लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। आप जितना गाढ़ा करना चाहो उतना अच्छे से धीरे धीरे बॉईल करते करते ये गाढ़ा हो जाएगा। ये हमारा देखिए अच्छे से बॉईल हो रहा है, अच्छे से इसमें उफान आ रहा है। अब इसे चलाते रहिए धीरे धीरे और इसे और भी गाढ़ा कर लीजिए। ये इमली की चटनी बनके तैयार है। अब इसे हम पूरा ठंडा कर लेते हैं और ठंडा अच्छे से, जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। ये 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होती है और आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बाजार जैसी चटनी बनी है। इमली की चटनी आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें।